As far as doing it as a prank would be... I think I'd do it to Salman Khan. इस सब्जेक्ट पे ज़्यादातर फिल्में नहीं बनी हैं हमारे सिनेमा में, इंडियन सिनेमा में. तो बहुत ही ज़्यादा नया है और रिस्क वर्दी है, तो मुझे लगा कि पता नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए. आई थिंक हर फिल्म का, हर फिल्म में एक हीरो होता है और एक विलेन भी होता है. तो विलेन हमेशा गलत चीज़ें करता है और हीरो इवेंचुअली विलेन को मार देता है. तो हमारी फिल्म में भी विलेन है, एंटागनिस्ट है, लेकिन हमारी फिल्म में हम उसको ऐसे नहीं दर्शा रहे कि आप ये चीज़ कीजिए, ये इनवाइट नहीं कर रहे हैं. हम ये लोगों को बताना चाह रहे हैं कि ये होता है, आपके साथ भी हो सकता है, एंड वॉट ऑल प्रिवेंशंस यू शुड बी टेकिंग, एंड देन द लर्निंग कम्स द नेक्स्ट. वो मैं आपको अभी नहीं बताना चाहूँगी. मैं चाहूँगी कि आप फिल्म देखें 7 फरवरी को और आपको पता चलेगा. फर्स्टली जो सबसे पहले तो सब्जेक्ट विच इज़ कम्प्लीटली फ्रेश, न्यू, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव सब्जेक्ट है जिस पर ज़्यादा बात नहीं हुई है, तो मैं सबसे पहले सब्जेक्ट कहूँगी. उसके बाद द लर्निंग यू गोना गेट आउट ऑफ इट, द लर्निंग से ज़्यादा मैं कहूँगी द डूज एंड डोंट्स जो आपको पता चलेंगे, जिनके बारे में हम सोचते ही नहीं हैं. चाहे वो हम किसी कोई भी ऐप डाउनलोड करने के बाद हम अपने कैमरा, अपने लोकेशन, अपने कॉन्टैक्ट्स, हर चीज़ का एक्सेस दे देते हैं उस पर्टिकुलर ऐप को. और ऐसे हमारे फ़ोन में कितने ऐप्स हैं और हमें क्या करना चाहिए. वी शुड एटलीस्ट रीड द मैटर कम्प्लीटली बिफोर अग्रीइंग, विच वी नेवर डू. तो डूज एंड डोंट्स आपको बहुत पता चलेंगे. एंड थर्ड आई वुड से द स्ट्रेंथ यू विल गेट, द करेज यू विल गेट आउट ऑफ दिस फिल्म वंस यू वॉच द फिल्म. नहीं, आई डोंट थिंक इन दैट वेज आई कैन रिलेट टू द कैरेक्टर सैम. आई वुड नेवर विश कि कोई किसी की भी जिंदगी सैम जैसी हो जो इस फिल्म में उसके साथ होता है. सो आई वुड से नहीं. एज फार एज डूइंग इट एज अ प्रैंक वुड बी, आई थिंक आई डू इट टू सलमान खान, बिकॉज he's very sweet, he's been really really supportive and sweet. So just unko pareshan karne ke liye.